पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव आज राजा पटेरिया से मिलने पवई जेल पहुंचे। बाहर आने के बाद अरुण यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राजा पटेरिया बुंदेलखंड और पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्हें गलत तरीके से जेल भेजा गया है, इसके लिए हम जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य और केंद्र की सरकारें आज लोगों को प्रताड़ित कर रही है वह गलत है। झूठा केस राजा पटेरिया पर लगा दिया गया है, वह पिछले 2 माह से जेल में बंद है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि यह एक बड़ा संघर्ष है, हम अंतिम छोर तक इस संघर्ष से लड़ेंगे। हमने वरिष्ठ वकील किए हैं, उनसे चर्चा की है, हम चाहते हैं कि राजा पटेरिया को जल्द से जल्द जमानत मिल सके। अंदर है आप मिलने गए थे, क्या क्या देखा वहां पर और क्या चर्चा हुई है, कांग्रेस किस नजरिए से देखा? पटेरिया अकेले नहीं है, ऐसे कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता है जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन हम भयभीत होने वाले नहीं है। हमने संकल्प लिया है कि भ्रष्ट और फैसिस्टवादी सरकार को 2-3 में उखाड़ने के लिए हम सबको कमर कसने और एकजुट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया को जबरदस्ती और बेवजह परेशान किया जा रहा है, उन्हें 2 माह से अधिक समय हो गया है, वह पवई उप जेल में बंद है। हम इस बात को लेकर जनता के बीच अवश्य जाएंगे। पन्ना से टाइगर खान की रिपोर्ट। जेल के अंदर है आप मिलने गए थे, क्या क्या देखा वहाँ पर और क्या चर्चा हुई, कांग्रेस किस नजरिए से देख रहा है? राजा पटेरिया जी हमारे बुंदेलखंड के और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है, और आप देख ही रहे किस तरह से सरकारें, चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे केंद्र की सरकारें हो, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। झूठा केस राजा पटेरिया जी पे लगा दिया गया, पिछले 2 माह से हमारे नेता जेल में हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि एक बड़ा संघर्ष है देश की, प्रदेश की फासिस्टवादी ताकतों से हमारा संघर्ष है, और हम अंतिम छोर तक इस संघर्ष को लड़ेंगे। और हमने हमारे जो वरिष्ठ वकील लोग हैं उनसे भी चर्चा की, हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उनको जमानत मिले, उसके लिए पूर्ण कोशिश हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह की दबाव की राजनीति पूरे प्रदेश में चल रही है, और केवल राजा पटेरिया जी अकेले नहीं हैं, ऐसे हजारों कार्यकर्ता है कांग्रेस का, तो निचले स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। और हमने संकल्प लिया है कि 2023 में मध्य प्रदेश में इस भ्रष्ट और फासिस्टवादी ताकतों को हम मध्य प्रदेश उखाड़ फेंकेंगे। और मैं कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ कि हमें कमर कसनी है, एकजुट रहना है और इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। क्या चुनावी मुद्दा रहेगा राजा पटेरिया? देखिए अभी तो ऑब्वियस ही बात है कि एक नेता, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, जबरदस्ती बेवजह से उनके साथ ये काम किया गया है, अत्याचार किया गया है, और 2 माह हो गए, सोचिए आप, क्योंकि केस में कोई इतनी बहुत कुछ है नहीं, 2 माह से अधिक हो गए उनको, तो हम निश्चित तौर पर इस बात को लेकर जनता से बात। क्या बुंदेलखंड अंचल में इनकी सक्रियता के मद्देनजर जिस तरीके से ये बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को टारगेट कर रहे थे, उस कारण से इनको? राजा पटेरिया जी कोई नए व्यक्ति तो है नहीं, पूरा बुंदेलखंड उनको जानता है, वरिष्ठ नेता है और अपने बात को विभागी से कहने वाले नेता है, और आरएसएस के लिए सदैव उन्होंने खड़े होकर दलित आदिवासियों पिछड़ों की लड़ाई अपने प्रदेश में और अपने क्षेत्र में लड़ी, बुंदेलखंड में लड़ी है, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि सरकार डरी हुई थी उनसे, और इसी तरह से इस तरह के प्रताड़ना की उन्होंने।